तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। और आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो हमने जस्ट एक कंसेप्ट समझना है, हमारे पास क्या कंसेप्ट है। तो किसी को डाउट है तो आप बीच में आपने पूछ भी लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ अ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन? तो मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। एफ एक्स लिया मैंने, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और जो एक्स है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो हम इस फंक्शन का एक ग्राफ ड्रा करेंगे, और जो ग्राफ है वो हम, ये मैंने ग्राफ बना दिया है, ये एक डेसिमोस है, यहाँ से हमने एक ग्राफ बनाया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या? ये एक पैराबोला है, हमने 11th क्लास में पढ़ा है पैराबोला। तो ये जो वाई एक्सिस है, इसके लेफ्ट साइड में एक ग्राफ है और एक राइट साइड में ग्राफ है। अगर आप ध्यान दें, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है -3, और -3 पे जो ग्राफ की वैल्यू है, वाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे है। लेट अस सपोज करो 8 और समथिंग 9, लेट अस सपोज करो 7 8 9, आप 9 या 10 हो सपोज करो, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2, और इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि एक्स की वैल्यू हमारे पास है -3, और वाई की वैल्यू आपके पास 9, फिर एक्स की वैल्यू -2, और वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 4। फिर एक्स की वैल्यू अगर हम 0 लें तो वाई की वैल्यू भी यहाँ पे 0। अब ध्यान दें, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू कितनी थी? -3, फिर उसकी क्या आ गई? -2, फिर क्या आ गई? 0। तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, और आपका जो ग्राफ की वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज़ कर रही है। पहले 9 थी, फिर 4 आ गई, फिर 0 आ गई, 0 आ गई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड में, अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 लेता हूँ, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो आपके एक्स जो है इंक्रीज़ करने पर आपकी जो वाई की वैल्यू वो भी इंक्रीज़ हो रही है, और हमारा ग्राफ क्या हो रहा है? अब बढ़ जा रहा है, ऊपर तरफ, ऊपरी तरफ जा रहा है। तो ये इंक्रीजिंग है, तो इसे, इसको हम कहते हैं कि डिक्रीजिंग क्या है कंसेप्ट है, और इंक्रीजिंग का कंसेप्ट क्या है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो लेट आई बी एन इंटरवल कंटेन इन अ डोमेन ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन। कोई रियल वैल्यू फंक्शन है एफ, जैसे हमने इस केस में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया हुआ, और इसकी डोमेन अगर हम चेक करें तो इसकी डोमेन है, क्या डोमेन है? सेट ऑफ रियल नंबर। कहते लेकिन उसमें कोई एक छोटा इंटरवल आई है, कोई उसमें कोई दो पॉइंट लें आप एक्स वन और वाई वन, सच दैट कि एक्स वन की वैल्यू जो है वो वाई एक्स टू से कम हो, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी आपको उसी ऑर्डर में मिलेगी। अगर फर्स्ट पॉइंट पे वैल्यू जो है आप कैलकुलेट करते हैं, फिर सेकंड पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट पे जो वैल्यू है वो सेकंड वाले पॉइंट की वैल्यू से लेस होगी, और उसे हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन।
अगर आप यहाँ देखें, ध्यान दें, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये मेरे पास एक पॉइंट, यहाँ पे हम पॉइंट पॉइंट लिया था हमने, ये एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एक्स 1 है वो एक्स 2 से लेस है, दिख रहा है आपको। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, एफ ऑफ 1 तो वैल्यू 1 आती है, एफ ऑफ 2 वैल्यू कितनी आती है 4, तो हमारे पास एफ ऑफ 1 लेस देन एफ ऑफ 2 आ गया। एक्स 1 जो है वो एक्स 2 से लेस है और उसकी जो वैल्यू है उन पॉइंट्स के वो भी सेम ऑर्डर में आएगी। तो हमने क्या कहा कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ राइट हैंड साइड में ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फर्क इसमें क्या है कि इसमें इक्वल का साइन है, वहाँ पे हमारा अगर पॉइंट लेस था तो इसकी वैल्यू भी लेस है, लेकिन यहाँ पे इक्वल है, इक्वल के कारण भी ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। फिर किसी पॉइंट्स के ऊपर इसकी वैल्यू बराबर भी आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि ये एफ जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इफ एक्स 1 लेस देन एक्स 2 एंड उनकी जो वैल्यू है उन पॉइंट्स के ऊपर वो लेस होगी, उसमें इक्वल का साइन नहीं रहेगा। और इस वाले केस में हम बोलेंगे जो फंक्शन है आपका वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, क्लियर है आपको पॉइंट। नेक्स्ट देखें, डिक्रीजिंग में फंक्शन कौन, जो फंक्शन एफ है वो डिक्रीजिंग कैसे होगा किसी आई, किसी कोई छोटे इंटरवल में, आई यहाँ पे एक स्मॉल इंटरवल हम मान सकते हैं, जैसे सबसेट ऑफ मान लो आर है, छोटा सा इंटरवल है, उसमें जो है एफ एक्स जो है इंक्रीज या डिक्रीज हम बात कर रहे हैं। तो डिक्रीज कब होगा कि आप एक्स वन और एक्स टू दो पॉइंट ले रहे हैं सच दैट कि एक्स वन की वैल्यू एक्स टू से कम है, और अगर उनकी वैल्यू रिवर्स में आ जाए कि छोटे पॉइंट पे जो वैल्यू है, जो लेस पॉइंट है उस पे वैल्यू लार्ज आ जाए और जो लार्ज पॉइंट है उस पे वैल्यू लेस आए, तो हम इन केस में क्या कहेंगे, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे हमने यहाँ पे ये देखा था कि इस वाले केस में देखो कि आप पॉइंट बढ़ाते जाओ और ये डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इफ एक्स लेस देन एक्स टू बट उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी, एग्जैक्ट ग्रेटर देन होगी, इक्वल का साइन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ऐसे वाले केस में हम क्या कहेंगे, ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू किसे बिलोंग कर रहा है, एक सब इंटरवल है, सब इंटरवल है या सब सेट है कोई आई, उसमें जो पॉइंट है। हालांकि अगर मैं बात करूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेता हूं मैं कोई फंक्शन, तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो एक सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात नहीं करें, हम कोई छोटे इंटरवल में बात कर रहे हैं, उसमें कोई जो रियल नंबर्स का सेट है उसमें से एक छोटा सेट लिया हमने, उसमें डिस्कस कर रहे हैं कि उस पॉइंट में जो एक्स वन एक्स टू उसी उतने वाले इंटरवल में होगा, उसको हम सब इंटरवल बोल सकते हैं, उसमें हमने ये डिक्रीजिंग ऐसे फाइंड किया। हो सकता है कि वो उसी इंटरवल में किसी अगले पॉइंट में किसी उसी के सब इंटरवल सेकंड में वो इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो फाइंड करने हैं, और आप आसानी से जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कहता है कि f एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है एक क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशियल है ओपन इंटरवल पे, देन f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इस क्लोज इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इफ उसका जो डेरिवेटिव है वो या तो ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर हो, उसे हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। और हमारे पास यहाँ पे x किसे बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल
ए और बी में। सेकंड पॉइंट, एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इफ उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल का साइन नहीं होगा सिंपली। थर्ड, एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा इस क्लोज इंटरवल में इफ उसका जो डेरिवेटिव है वो लेस देन इक्वल टू जीरो होगा और एक्स जो है वो लाई करेगा ए और बी जो हमारे पास ओपन इंटरवल है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा कि आपका यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं रहेगा। और एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा इफ उसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू जीरो हो। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि हम ग्राफिकली इसको कैसे, जैसे हमने पीछे जो डेसिमल में हमने किया कि जब आपका ग्राफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है, देखो इंक्रीज कर रहा है, तो ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी फंक्शन है जिसका जो ग्राफ है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जिसका जो ग्राफ है। आप देखें ये हर पॉइंट पे जैसे जैसे आप एक्स की तरफ जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी जो है बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखें तो ये हर पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये कुछ पॉइंट के ऊपर जाके इसकी वैल्यू बराबर भी हो सकती है, लेकिन इसमें क्या होगा कि हर बार जैसे आप पॉइंट चेंज करेंगे वाई भी चेंज हो जाएगा। तो आपका हर एक पॉइंट पे ये जो ग्राफ है वो इंक्रीज होगा, इसलिए इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहे हैं हम। किसी के मन में कोई प्रश्न है पूछ लो आप। ये स्ट्रिक्टली ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग क्योंकि इसमें यहाँ पे देखो आया ये डिक्रीज हो रहा है, आप एक्स की वैल्यू आपकी इस तरफ बढ़ रही है और ये आपका कम होता जा रहा है, यहाँ आके फिर बराबर से बराबर होगा। तो ये जो इतना लाइन है यहाँ पे आपकी वैल्यू बराबर आ रही है, लेकिन फिर उसके बाद इसने डिक्रीज करना शुरू कर दिया, तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा कि हर एक पॉइंट पे फंक्शन जो आपका डिक्रीज करता जाएगा, इसे हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब कोई फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसे केस में जहां हम ये कहें कि किसी एक इंटरवल में जो इंटरवल आपने लिया हुआ है उस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है। जैसे मैंने ये एक ले लिया ए पॉइंट और एक ले लिया बी पॉइंट, तो यहाँ कहीं कोई और पॉइंट है, तो आपका कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तक वाला पोर्शन में ये इंक्रीज कर रहा है और यहाँ वाले पोर्शन में डिक्रीज कर रहा है। अगर हमने यहाँ पे इंटरवल जो है वो लिया हुआ ए बी, अब ए बी में इंक्रीज भी किया उसने और बाद में डिक्रीज कर दिया, तो इस प्रकार के जो भी फंक्शन होंगे उन फंक्शन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, नाइदर इंक्रीज नाइदर डिक्रीज। या फिर अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो तब भी वो जो फंक्शन है वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है और उसमें फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि जैसे हमने फंक्शन गिवन है तो हमने बताना है कि ये एक फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है। अब थोड़ा सा आपको ना, मैंने अभी भी बच्चे सुबह आए थे, उन कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा चीज़ें को, क्वेश्चन आप कर तो रहे हो अब कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा। देखो हमने बात की फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसका कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स इक्वल टू थ्री आ गया। थ्री एक कॉन्स्टेंट नंबर है, थ्री क्या कॉन्स्टेंट नंबर है और इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एक फंक्शन हमारे पास साइन एक्स,
और हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि आप बताइए कि ये 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो बन गया जी कोज एक्स। और अगर ये इंक्रीज करता है, सपोज करो मैं ए पार्ट ले लेता हूँ कि इंक्रीज कर रहा है, हमने इंक्रीज फाइंड करना है। इंक्रीज फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए कि इसका डेरिवेटिव जो है, जो भी इंटरवल इसने दिया उस इंटरवल में ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि जो एफ डैश एक्स है वो है कोज एक्स, और कोज एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है कौन सा इंटरवल में, फॉर जीरो पाई बाई टू में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये जीरो, ये पाई बाई टू, ये पाई, ये थ्री पाई बाई टू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है ऑल पॉजिटिव, जितने टी रेशियोज होती हैं दे आर पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव मीन ग्रेटर देन जीरो, तो हमने एफ डैश एक्स क्या कर दिया, ग्रेटर देन जीरो। सो एफ एक्स जो है, ये जो एफ एक्स है साइन एक्स जो है वो जीरो से लेकर पाई बाई टू के बीच में ये इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड पार्ट देखिए, एफ डैश एक्स आप फाइंड कर रहे हैं कोज एक्स, और आपके पास इंटरवल है पाई बाई टू से लेकर पाई बाई, तो पाई बाई टू से लेकर पाई हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोज एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेस देन जीरो। सो एफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग टू पाई बाई टू से पाई। हालांकि इसके मैंने बोला जो ये साइन एक्स है इसका जो डोमेन है क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन हमने छोटे छोटे पार्ट बना दिए, छोटा इंटरवल बना दिया। क्या इंटरवल बनाया पहले वाले में, जीरो से पाई बाई टू, दूसरा इंटरवल में क्या बना दिया, पाई बाई टू से पाई। तो हमने देखा कि छोटे छोटे इंटरवल में ये कहीं इंक्रीज कर रहा है कहीं डिक्रीज कर रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने रूल आपने दिमाग में क्या रखा है। पर लिखने में आपने एफ डैश नहीं लिखना, ये चेक है, दिस इज योर चेकिंग पॉइंट। लिखेंगे क्या, देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई टू से लेकर पाई तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो बाकी क्वेश्चन करने की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्वेश्चन क्या है कि हमने अब इंटरवल फाइंड करना, पिछले वाले क्वेश्चन में यू हैव गिवन द इंटरवल एंड यू हैव टू फाइंड वेदर इंक्रीज या डिक्रीज। नाउ यू हैव टू फाइंड इंटरवल, वो कौन से इंटरवल हैं जिसमें ये इंक्रीज कर रहा है और इसमें डिक्रीज कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपके पास दो मेथड है, मतलब दो स्टेप है। पहला स्टेप आपके पास क्या है, ये आपने याद रखना, स्टेप नंबर वन। स्टेप वन में आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, ओके। और स्टेप टू में आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो पुट कर देंगे और वहाँ से आप एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, आपको इंटरवल मिल जाएंगे। और फिर आप इंटरवल में से कोई वैल्यू उठा के चेक कर सकते हैं कि उसमें वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, डिपेंड करता है कि उसका जो डेरिवेटिव है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर वो डेरिवेटिव लेस देन जीरो है वो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम क्या है, डेरिवेटिव फाइंड करना। पहला स्टेप क्या है, डेरिवेटिव फाइंड। इसका डेरिवेटिव निकाल लें, ये आएगा माइनस सिक्स माइनस फोर एक्स, और आप यहाँ पे अगर कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, ये आ गया थ्री प्लस एक्स, सॉरी थ्री प्लस टू एक्स। ठीक है, हमारा पहला स्टेप हो गया, हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। सेकंड स्टेप मैंने क्या कहा कि जो आपने डेरिवेटिव फाइंड किया उसे आपने पुट करना है, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। आप ऐसे जीरो पुट करें, माइनस टू थ्री प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। आप देख रहे हैं कि आपके एक्स की वैल्यू जो है माइनस थ्री अपॉन टू आ गई है। ठीक है, अब आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिली, एक पॉइंट मिला है। अगर आपको एक पॉइंट मिलेगा तो आपको दो इंटरवल मिल जाएंगे, कितने इंटरवल मिल जाएंगे, दो। अगर आपके पास दो पॉइंट हैं तो आपको कितने इंटरवल मिल जाएंगे, तीन
और जब आपके पास तीन पॉइंट होंगे तो आपको कितने इंटरवल मिलेंगे? चार। तो यहाँ पे कितने पॉइंट है? एक है, तो आपको कितने इंटरवल मिलेंगे? दो। देखते हैं कैसे। यहाँ देखो, यह नंबर लाइन है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ये नंबर लाइन है। हमने पॉइंट क्या निकाला? माइनस थ्री अपॉन टू। यहाँ पे आप मार्क करें कहाँ पे माइनस थ्री अपॉन टू है, ये दिस इज द पॉइंट, ये आएगा या ये, ये कि ये तो ये पॉइंट आपके पास आ गया माइनस थ्री पॉइंट थ्री अपॉन टू। अब इसने लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? ये नंबर लाइन पहले पूरी थी, जब इसने बीच में तोड़ दिया तो एक ये बन गया सेट और एक ये बन गया सेट, दो इंटरवल बन गए। कौन से बने? माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस थ्री बाई टू, और दूसरा थ्री बाई टू से लेकर कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो कितने इंटरवल मिले? तो आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर आगे आप ध्यान रखना। तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन टू डिवाइड्स अ रियल लाइन इंटू टू डिसजॉइंट इंटरवल सच दैट दैट इज माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस थ्री बाई टू तक एक इंटरवल, और माइनस थ्री बाई टू से ले प्लस इन्फिनिटी तक सेकेंड इंटरवल। कोई डाउट है आपके मन में? हाँ जी, नहीं, डिसजॉइंट होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, माइनस थ्री बाई टू जो है वो इंक्लूड नहीं है, डिसजॉइंट, मैंने लिखा यहाँ पे डिसजॉइंट, दोनों डिसजॉइंट होंगे। आपने वहाँ पे भी देखा होगा जब हमने डिफरेंशियबल वाली डेफिनेशन की है, सॉरी हाँ, जैसे हमने इंक्रीज डिक्रीज किया तो वो इंक्रीज डिक्रीज ओपन इंटरवल में बात की है, तो यहाँ पे ये ओपन इंटरवल आ गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि अब हमने इन दोनों जो सब इंटरवल बन गए, उन सब इंटरवल में आपने अब चेक करना है किस में इंक्रीज कर रहा है, किस में डिक्रीज कर रहा है। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं पहले इंटरवल के लिए, फॉर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस थ्री बाई टू, इस इंटरवल में चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है क्या इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। चेक करने का क्या मेथड है कि हमने डेरिवेटिव चेक करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, और इसमें इस इंटरवल में चेक करना है कि उसकी वैल्यू जो डेरिवेटिव की है वो क्या है, जीरो से बड़ी है कि जीरो से छोटी है। हमने एफ डैश एक्स निकाला, माइनस टू ब्रैकेट थ्री प्लस टू एक्स, इसमें से कोई वैल्यू एक ले लो आप, एनी कोई वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू यहाँ इसमें आप पुट करके देखो, कोई वैल्यू ले लो, यहाँ पे माइनस टू ले लेते हैं, तो माइनस टू पुट करूँगा, माइनस टू पुट करूँगा, माइनस फोर, माइनस फोर में से थ्री प्लस के हैं माइनस वन, माइनस वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई तो क्या हो गया, तो ग्रेटर देन जीरो लिख सकता हूँ। एफ डैश एक्स क्या आ गया, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या आया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, गुड। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लिखने की जरूरत नहीं है, इंटरवल इंटरवल आपने पहले लिख दिया हुआ। अब हम सेकेंड इंटरवल में चेक करते हैं, सेकेंड इंटरवल क्या है हमारे पास, फॉर माइनस थ्री अपॉन टू अप टू इन्फिनिटी, इस इंटरवल में आप एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करनी है। एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, माइनस टू प्लस थ्री प्लस टू एक्स, आप कोई भी इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू आप ले लें, कोई भी ले लें, बहुत सारी वैल्यू, जीरो ले लें, वन ले लें, टू ले लें, तो ज़ीरो ले लें, माइनस वन ले लो, माइनस वन लेंगे तो टू इंटू माइनस वन माइनस टू, माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन, प्लस वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो लेस देन, और अगर आपका
डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, अगर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव जिस भी इंटरवल में आप चेक कर रहे हैं अगर वो लेस देन जीरो है तो वो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन, ठीक है, और अगर आप चाहे तो मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं। एफ डैश एक्स, इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करिए, आप देखेंगे इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 12x² - 12x - 72, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। आप इसे और सिंपलीफाई कर लें, यहाँ पे आप 12 कॉमन निकाल सकते हैं, x² - x और - 6, अगेन आप फिर से कर सकते हैं इसका फैक्टर, x - 3 और x + 2, इसके फैक्टर बना सकते हैं आप। तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया बेटा, पहला स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप हम क्या करने वाले हैं, पुट इक्वल टू ज़ीरो, करिए पुट इक्वल टू ज़ीरो, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो मेरे पास आएगा 12x - 3x + 2 = 0, और मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल रहा हूँ -2, 3। -2, 3 तो कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यूज आ गई एक्स की। कितने इंटरवल में बनेंगे, तीन बनेंगे, चेक करते हैं यहाँ पे कि तीन बनते कि नहीं बनते। ये देखिए, ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई 0, 1, 2, 3, 4, साथ साथ करते जाएं, ये आ गया +∞, 1, 2, 3, -1, -2, -3 एंड -∞। और चलिए x - 2 मार्क कर देते हैं, ये x - 2 पहली मार्किंग ये है, दूसरा ये मार्किंग, दो मार्किंग होगी, एक -2 और एक 3। अब देखिए ये कितने इंटरवल बन गए, अब ध्यान दें, पहला यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और लास्ट वन आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमारे पास कितने इंटरवल बन गए, 3। तो आप लिखेंगे कि x = -2, 3 डिवाइड द नंबर लाइन इंटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल सच दैट, वो इंटरवल आप लिख देना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप थोड़ा तरीके से लिख देना, ये आ गया 2 -2, फिर -2 से लेकर 3 और 3 से लेकर ∞ तक। अब हमारा काम क्या है, हमारे पास तीन इंटरवल आ गए, अब हमने चेक करना है इन इंटरवल्स में कौन से इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मेथड क्या है, डेरिवेटिव चेक करेंगे, डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे। तो लो नाउ, पहले लेते हैं फॉर -∞ to -2, इस इंटरवल में चेक करते हैं आपका जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एफ डैश एक्स, ये ध्यान रखना, एफ एक्स नहीं लेना अपने, चेक हमेशा एफ डैश, तो ये मेरे पास एफ डैश एक्स है, वैल्यू पुट करें, कोई वैल्यू ले ले इसमें से, -∞ से -2 के बीच में -3 है, -3 ले लो, -3 अगर मैं लेता हूँ इसमें, ये पॉजिटिव है, ठीक है, चलो ऐसे करते हैं, इसमें से आपने -3 पुट किया, x की वैल्यू क्या ले लिया आपने, तो माइनस आया, इसमें पुट करने पर माइनस आया, इसमें -3 पुट किया क्या आ गया, माइनस आ गया, और अल्टीमेटली क्या आ गया, पॉजिटिव, प्लस -∞ - +++, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो तो फंक्शन जो है इस इंटरवल में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, चलिए सेकंड, फॉर -2, 3 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी क्या है, 12 पॉजिटिव है, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लो, -2 से लेकर 3 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज हैं, आप कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू करें, -1 इसमें पुट करें, -1 और -3 -4 माइनस आया,
यहाँ पे माइनस पुट किया माइनस वन तो पॉजिटिव आया, तो अल्टीमेटली क्या आ गया नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एक है और पॉजिटिव दो हैं तो नेगेटिव। तो इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो क्या है डिक्रीजिंग, और आपने ये जरूर लिखना है एफ एक्स डिक्रीजिंग ना कि एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स सिर्फ क्या है चेक करने के लिए लिखना आपने फंक्शन है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड क्या है हमारे पास, हाँ जी, फॉर थ्री कॉमा इन्फिनिटी एफ डैश एक्स, हाँ जी, पहले प्लस है, 12 प्लस है, कोई भी वैल्यू आप ले ले इसमें से, 4 ले ले, 4 माइनस 3 प्लस, फिर 4 प्लस 2 6 अगेन प्लस, तो क्या हो गया, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आई थिंक अब आपको अच्छी तरीके समझ आ गया है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने वैल्यू निकालनी है ए, एक वैल्यू निकालनी है ए, आपको गिवन है कि एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन, यहाँ पे ए एक कांस्टेंट है। आपको गिवन है कि ये फंक्शन क्या है इंक्रीज कर रहा है, और किस इंटरवल में, वन कोमा टू में, तो इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका डेरिवेटिव, क्या डेरिवेटिव बन गया प्लस ए, टू एक्स प्लस ए, सिंस आपको गिवन है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन वन कोमा टू, तो यहां पे हम ओपन ले लेते हैं, इसमें इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और एफ डैश एक्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग टू वन कोमा टू, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया ग्रेटर देन जीरो हो गया, क्योंकि इसने बोला एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में, ये आई है आपका, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया ग्रेटर देन जीरो, और एक्स कहाँ पे है वन कोमा टू में, तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ या ऐसे लिखता हूँ एक्स ग्रेटर देन वन लेस देन टू, तो एक्स की वैल्यू वन और टू के बीच में है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो मेरे पास आ गया टू एक्स प्लस ए ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स, सॉरी फॉर एक्स ग्रेटर देन वन लेस देन टू, एक्स कितना आ गया हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की, पर हमने फाइंड करनी किसकी है a की, लेकिन हमने पहले अब x की वैल्यू फाइंड की है। x क्या कह रहा है कि माइनस ए अपॉन टू से ग्रेटर है, और x की दूसरी कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू किस किस के बीच में है वन या टू में, आप करना क्या चाहते हैं, आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, और वैल्यू भी आपने लिस्ट निकालनी है, ये थोड़ा मेरे से यहाँ गड़बड़ होगी, आपने लिस्ट वैल्यू निकालनी है, ए की जो वैल्यू निकालनी है छोटी वैल्यू निकालनी है जो सबसे लीस्ट है, तो यहाँ पे एक्स वन और टू के बीच में है, तो एक्स की लीस्ट वैल्यू क्या होगी यहाँ पे वन है, तो हमारे पास क्या हो गया एक्स ग्रेटर देन वन, अगर ग्रेटर देन वन है तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं वन, तो यहाँ पे क्या गया फॉर लीस्ट वैल्यू, फॉर लीस्ट वैल्यू, फॉर लिस्ट वैल्यू माइनस ए अपॉन टू इज इक्वल टू वन, और ए इज इक्वल टू माइनस टू, बाकी इससे बड़ी ही होंगी, देख लो आप 1.5 पुट करके देखें तो 1.5 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 बन जाएगी, तो इससे वैल्यू आपकी बड़ी बड़ी, ये सबसे छोटी वैल्यू,
क्योंकि आपने x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो लिस्ट वैल्यू आपकी ये है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये है। तो हमने लेनी थी लिस्ट वैल्यू, तो हमने x की वैल्यू क्या ले ली, फॉर फॉर लिस्ट वैल्यू मैंने x की वैल्यू क्या पुट कर ली, पुट x इज इक्वल टू 1, तो माइनस ए अपॉन टू इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2, हाँ माइनस 2 से ग्रेटर होगी, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक आपका फिनिश हुआ, और अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, YouTube पे जाइए, वहाँ पे इस एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगे।